Hi everyone, I'm Anamika Singh and once again I welcome you all to my channel The Teacher's House. और हमारा आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे मैं बॉक्सेस में भी पढ़ाती हूँ, तो ये बॉक्स नंबर 5 होगा. इससे पहले बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 4 मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ. तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉक्स नंबर 5 या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो चलिए जानते हैं कि क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, क्या ऐसी पहचान होगी कि जिससे हम ये जान जाएंगे कि ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या ये बॉक्स नंबर 5 है. तो अगर किसी सेंटेंस में बात करते समय अगर आपको रहा था, रही थी, रहे थे मिल जाए, लाइक मैं जा रहा था, मम्मी खाना बना रही थी, पापा ऑफिस जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, मैम वीडियो बना रही थी, हम लोग देख रहे थे, किसमें क्या आ रहा है? रहा था, रही थी, रहे थे. तो अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आपके आंखों के सामने आता है तो आप ये मान लीजिएगा कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या बॉक्स नंबर 5 है. तो चलिए बात करते हैं कि इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे. इसके लिए एक फॉर्मूला है या हम इसको स्ट्रक्चर कहते हैं. तो देखिए, सब्जेक्ट यानी कि अ पर्सन हु एक्ट्स, जो व्यक्ति काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है. हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया. यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो होगी वॉज या वर. फिर नॉट, नॉट को मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा है कि अगर जरूरत होगी नेगेटिव सेंटेंसेस में तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे नॉट का यूज नहीं होगा. नेक्स्ट इज वर्ब. वर्ब की हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट. ये सेम फॉर्मूला मैं अपने हर बॉक्स में यूज करूंगी, बस चेंज होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म ये चेंज होता रहेगा जैसे जैसे बॉक्सेस चेंज होंगे. ठीक है, तो ये आज का हमारा स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है. अब इसी के बेसिस पे हम लोग अपने सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. तो चलिए करते हैं पहला सेंटेंस. मैं उस समय दाल छौंक रही थी. अच्छा, इस तरह के वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अब हम छोटी छोटी वोकैबुलरी का भी ध्यान रखेंगे. तो ऐसी छोटी सी चीज, दाल छौंकना, आटा मारना, ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ में रोज रोज होती हैं. तो देखिए, पहला जो सेंटेंस है वो है सिंपल सेंटेंस जहां पे नहीं का यूज नहीं होता है, या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. मैं उस समय दाल छौंक रही थी. मैं, सब्जेक्ट कौन है? आई, सब्जेक्ट हो गया आई. फिर क्या लगना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में आई क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगेगा. वैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर लगना चाहिए, लेकिन आई के साथ कुछ लोग वॉज भी लगाते हैं, कुछ लोग वर भी लगाते हैं. कई बार वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कहाँ पे आई लगाना है, कहाँ पे आई के साथ वॉज लगाना है और कहाँ पे वर लगाना है. इसका एक लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. फिलहाल हम ये मानेंगे कि आई सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा और प्लूरल के साथ वर लगेगा. तो आई, हेल्पिंग सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया वॉज. वॉज क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है. नेक्स्ट इज नॉट, नॉट लगना नहीं है. फिर क्या होगा? वर्ब. वर्ब यहाँ पे क्या है? काम क्या है? दाल छौंकना. दाल छौंकने को कहते हैं सीजन द पल्स, लेकिन यहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी. आई वॉज सीजनिंग द पल्स. उस समय यानी ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? दैट टाइम. ठीक है, मैं उस समय दाल छौंक रही थी. आई वॉज सीजनिंग द पर्स दैट टाइम. ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक नेगेटिव सेंटेंस पे. मम्मी आटा नहीं गूंथ रही थी. सभी के घरों का रोजमर्रा का काम है ये, इसलिए छोटी छोटी वोकैबुलरी पे भी अभी हमें ध्यान देना है. मम्मी आटा नहीं गूंथ रही थी, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? मम्मी. फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉज या वर, क्योंकि मम्मी सिंगुलर पर्सन है इसलिए मम्मी के साथ वॉज लगेगा. फिर नॉट लगेगा नहीं, लगेगा. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. तो मम्मी वॉज नॉट. फिर क्या लगेगा? वर्ब. वर्ब यहां पे क्या है? आटा गूंथना. आटा गूंथने को कहते हैं नीड द डो. अब नीड का नीडिंग हो जाएगा क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा. मम्मी वॉज नॉट नीडिंग द डो. ठीक है, अब आते हैं हम
इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है और उनमें एक क्वेश्चन या प्रश्न या सवाल पूछे जाने का फील होता है। तो क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे? देखिए शुरू में क्या आ गया, क्या, और ये सुनने से ही लग रहा है कि कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे? तुमको हमेशा, यानी यू को हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसलिए यू के साथ यहाँ पे वर लगेगा। पहले तो सब्जेक्ट क्या है, यू होना चाहिए। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से। तो पहले क्या आएगा, वर। ये वर पहले क्यों आया, क्लियर हुआ? क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। इसलिए वर इधर आ गया और यू इधर आ गया, वर यू। अब ये दोनों हो गए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो वर यू, नॉट का यूज नहीं होना है। अब क्या होगा, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना। काम क्या है यहाँ पे, पढ़ना, रीडिंग। रीडिंग हो गया क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। वर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे? अभी देखिए इसी का इंट्रोगेटिव का एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो क्या वह कंधे नहीं उचका रहा था? क्या वह कंधे उचकाना कैसे होता है? सपोज मैंने आपसे कुछ पूछा कि वो आए थे क्या, किसी के बारे में, किसी एक्स वाई जेड के बारे में मैंने पूछ लिया कि मिस्टर एक्स आए थे क्या, तो आप कैसे कहते हैं? अगर आपको क्लियर नहीं तो आप कैसे बोलते हैं, पता नहीं, मम्मी ने ये बनाया था क्या, पता नहीं, वो बच्चा पास हो गया क्या, पता नहीं। तो ये जहां पर कंफर्मेशन नहीं होती वहां पे हम लोग कंधे उचका के इस चीज को शो करते हैं कि हम श्योर नहीं है। तो कंधे उचकाने को कहते हैं श्रग, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पे भी, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस है, इसलिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखिए पहले सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह सिंगुलर पर्सन है, वह के साथ वॉज लगेगा, तो वॉज इधर आ जाएगा। और नहीं उचका रही थी, लड़की है इसलिए शी लगेगा, वॉज शी। देखिएगा हेल्पिंग वर्ब इधर आ गया वॉज, और हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या चला गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहां पे, वह, शी, वॉज शी। फिर नेगेटिव का नॉट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप सेंटेंस है। तो यहां पे वॉज शी नॉट। उसके बाद कंधे उचकाने को श्रग कहते हैं, श्रग को क्या हो जाएगा, श्रगिंग। वॉज शी नॉट श्रगिंग, क्या वो कंधे नहीं उचका रही थी? अब देखिए ये एक डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस आ गया, या फिर मैं इसको क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बोलती हूँ। कल बारिश कहाँ हो रही थी, कोई पूछ रहा है कल कहाँ बारिश हो रही थी, या कल मैंने कहा कि कल बारिश हो रही थी, कहाँ हो रही थी, मेरे यहां तो नहीं हो रही थी। तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना, भाई कहाँ बारिश हो रही थी, तो देखिए कहाँ आ गया, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है तो मानते हैं कि डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वही वर्ड लगा लेते हैं जो हमें यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली का मिल जाता है। क्या मिला, कहाँ, सबसे पहले मैंने लिख लिया वेयर। और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस या डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले वो वर्ड बना लेते हैं, उसके बाद बचा हुआ पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस पे फ्रेम किया जाता है। तो जैसे वेयर हो गया, वेयर के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, वेयर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। यानी कि इंट्रोगेटिव की तरह ही इसके आगे का सेंटेंस बनेगा। वेयर के बाद सब्जेक्ट क्या है, बारिश, बारिश के लिए हमेशा सब्जेक्ट इट लगाया जाता है, और इट सिंगुलर मानेंगे इसलिए इसके साथ वॉज लगाया। वेयर वॉज इट रेनिंग, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लिख, क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, क्वेश्चन वर्ड के बाद मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह किया, यानी कि वॉज आ गया। फिर सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह किया, यानी कि ये देखिए यहां पे इट आ गया। फिर क्या किया मैंने, वर्ब नॉट लगना नहीं था इसलिए नेक्स्ट क्या आएगा, वर्ब, और वर्ब यहां पे क्या है, बारिश होना, बारिश होने को रेन कहते हैं, और यहां पे रेन की आईएनजी फॉर्म रेनिंग हो गया।
तो ये सेंटेंस हमारा बन गया वेयर वॉज इट रेनिंग, कहां कब, कल यस्टरडे, बीते हुए कल को कहते हैं यस्टरडे, यस्टरडे को हम आगे भी लगा सकते थे, यस्टरडे वेयर वॉज इट रेनिंग या फिर वेयर वॉज इट रेनिंग यस्टरडे। अब आते हैं हम लोग लास्ट सेंटेंस पे, वह पढ़ क्यों नहीं रही थी या वह क्यों नहीं पढ़ रही थी, वो दोनों एक ही बातें हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस बना रही हूं मैं, ठीक है। वह पढ़ क्यों नहीं रही थी, देखिए फिर से कौन सा वर्ड मिला हमें, क्यों, तो सबसे पहले क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, सबसे पहले हमने वाई लगा लिया, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की है, शी होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट शी नहीं लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, शी सिंगुलर है इसलिए यहां पे वॉज लगेगा, वाई वॉज। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब उठ के यहां आ गया है तो सब्जेक्ट उठ के हेल्पिंग वर्ब की जगह जाएगा, वाई वॉज शी, फिर नॉट लगेगा, बिल्कुल लगेगा क्योंकि ये डब्ल्यू एच फैमिली या क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पे नॉट लगाएंगे। वाई वॉज शी नॉट पढ़ना, पढ़ने को क्या कहते हैं स्टडी। अभी आप पूछोगे स्टडी और रीड में क्या डिफरेंस है, ऐसा भी एक लेक्चर मैं बनाऊंगी जिसमें इस तरह के बहुत माइन्यूट डिफरेंस वाले सेंटेंस या वर्ड्स को मैं डिस्कस करूंगी। तो यहां पे स्टडी होगा, वाई वॉज शी नॉट स्टडिंग, वह पढ़ क्यों नहीं रही थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ऐसे सेंटेंस बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, कल तुम कहां जा रही थी, मैं बाजार जा रही थी, मम्मी क्या कर रही थी, आप किसी के घर जाते हैं तो लोग पूछते हैं पापा क्या कर रहे थे, तो ऐसे कैसे बात करेंगे हम। और इसको ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सेंटेंसेस को बनाना है, हमेशा इसी बारे में सोचते रहना है, तभी ये हम लोग लाइफ में उतार पाएंगे। तो ये रहा हमारा बॉक्स नंबर 5। बॉक्स नंबर 5 से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे।